गुलबर्गा शहर में मौजूद अलबदर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में टेम्प्रो मैंडिबुलर ज्वाइंट डिसीज के 3 मेजर केसेस का ट्रीटमेंट हुआ है। इस मौके पर अलबदर डेंटल कॉलेज में प्रेस मीट कर बताया गया, पूरे नॉर्थ कर्नाटक में पहली बार इस तरह के केसेस को सॉल्व किया गया है। अलबदर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, यहाँ दांत साफ करने से लेकर मेजर सर्जरीज की जाती हैं। इस कॉलेज के जरिए 30 सालों से गुलबर्गा शहर में अवामी खिदमात की जा रही है। अलबदर डेंटल कॉलेज में टोटल 9 स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट में काफ़ी बेहतर स्टाफ टीम मौजूद है। टेम्प्रो मैंडिबुलर जॉइंट डिसीज के पेशेंट्स का बिल्कुल भी मुंह नहीं खुल रहा था, जिससे ये लोग काफ़ी तकलीफ में थे। अलबदर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में टोटल 3 पेशेंट्स की सर्जरी कर जॉइंट रिप्लेसमेंट किया गया है। अलबदर डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया, पिछले 30 सालों में यहाँ हजारों डॉक्टर्स पढ़ाई कर कामयाब हुए हैं। अगर आपको दांत साफ करवाना हो, बदलवाना हो, सीधे करवाना हो, इम्प्लांट करवाना हो या कोई मेजर सर्जरी करवाना हो, आप अलबदर डेंटल कॉलेज को विजिट करें। यहाँ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जिससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप अलबदर डेंटल कॉलेज को विजिट कर डिटेल हासिल कर सकते हैं। This video presented by Alsharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alsharay Group of Institute. This is Mohammed Khalid. He is 18 years of age. He is a student. He came to our department around a month back with a complaint of reduced mouth opening. तो यहाँ देख सकते हैं आपके जो नीचे का जो जॉ है ऊपर फ्यूज हुआ है प्लेस ऑफ द स्कल को। अब हमारा टारगेट है कि इसको ओपन करें और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हुआ है इसको निकालना है। तो ये प्रोसीजर कान के सामने से यहाँ से किया जाता है, इंसिजन यहाँ से दिया जाता है और सो दैट इट इज लेस विजिबल। अगर यहाँ से ओपन करने के बाद, ये बहुत ही डेलिकेट एरिया है, यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट नर्व्स और वेसल्स होते हैं जिसके डैमेज से जो है आप जिसको कहते हैं कि पैरालिसिस ऑफ फेस वाली जो मारता है चेहरे को, उसकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नस होती है कान के पास। तो इसको सेफ रखते हुए इस जॉइंट को ओपन करना है और सारा जो भी एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हुआ है उसको निकालना है। तो यही प्रोसीजर इनको किया गया है और बीच में एक शीट ऑफ मसल भी रखा गया है जो दोनों जॉइंट को वापस से फ्यूज होने से रोकता है। आफ्टर दैट पेशेंट को जो है माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करना है ऑपरेशन के बाद और बहुत ज्यादा विगरसली करना है, उससे जो है काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। इज द माउथ ओपनिंग वी हैव अचीव दैट इज अराउंड 38 mm, फ्रॉम 8 mm टू 38 mm। मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम होता था खाने पीने, पहले मेरे को खाली एक उंगली आता था और हमें पता चला कि अलबदर डेंटल में इसका इलाज हो सकता है, तो हम यहाँ पर आ गए और सर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हमने ऑपरेशन कराया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ऑपरेशन के बाद सब कुछ खा सकता हूँ अच्छे से। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 उंगली जा सकते हैं। ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಆಯಿತು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಮಲಾಮ್ ಆಯಿತು, ಏನಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂತು। ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ। ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಸದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ। ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮದು ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಹಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಸದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು। ಇದು ಜಾಯಿಂಟೇ ಒಂದರಿಂದ 1.5 lakh ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇದೇನು ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 80% ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ನಾವು ಶಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರ್ಜನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಉಚಿತ, ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಇವ್ರು ಏನು ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಮಾಡ್ರಿ ಹಲ್ ಕಚ್ರಿ, ಆ ಮಾಡ್ರಿ ಹಲ್ ಕಚ್ರಿ, ಆ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ। ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ನಾನು 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದೆ ಸರ್। ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಉಸ್ತಾದ್ ಫಯಾಸ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಅಜಯ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು। 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡೈಲಿ 10 hours to 11 hours ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡ್ತೀವಿ,
ಅಪ್ಪರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಆದರೂ ನಮಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ವಿ, ಪುಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ರು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀಲ್ಕಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲ್ಕಮ್ಮ ನಡೂರ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬದರ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ, ಹೆಚ್ ಓಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೀವು ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಈಗ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ, ಈಗೇನೋ ನೋವಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ, ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ डॉक्टर सैयद जकाउल्ला अलबदर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से हूँ. आज हम ये प्रेस मीट बुलाई गई थी इस सिलसिले में कि हमारे कॉलेज में बहुत ही स्पेशल केसेस हो रहे हैं. जैसा कि तकरीबन जगह ऐसे केसेस होना बहुत कम है, बट हमारे पास जो हम हमारे कॉलेज में जो सर्विसेज दे रहे हैं ये कोई दूसरे प्राइवेट दूसरे कॉलेजेस में देना बहुत मुश्किल है. ये हमारे गुलबर्गा के अवाम या बोलो आप सोसाइटी में हम इसके सर्विसेज दे रहे हैं. जैसा कि आज हमने आपको तीन केसेस बताया है जो यहाँ पे करे हुए हैं, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स के प्रॉब्लम होते हैं जिससे पेशेंट्स को हड्डी जमा होती है, कभी इन्फ्लेमेशन वो होता है जिसके तरफ से उन्होंने रूटीन एक्टिविटी नहीं करते, मुंह नहीं खोल सकते. पर जैसा कि एक पेशेंट हमने बताया जिसका खाली एक 2 से 3 mm में होती ओपनिंग थी, सर्जरी करने के बाद रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं उसको, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट रिप्लेसमेंट वो करने के बाद हमने जो केस बताया जिसमें वो पेशेंट पूरा मुंह खोलने के काबिल हो गए. तो हमारे कॉलेज में हम ऐसे चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं. जैसा कि ये हमारे डॉक्टर नीलकमल हल्लूर सर हेचोड़ी हैं, तो ये सारे ऐसे केसेस जो है ना बहुत बहुत रेयर केसेस होते हैं ये जो करते हैं. तो ये आप जिसको देख रहे हैं ये टोटल बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट रिकन्स्ट्रक्शन. तो तकरीबन अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट किया है रीजन में, अभी तक 3 केसेस हमने कम्प्लीट कर चुके हैं. दूसरे केसेस जो है TMJ आर्थ्रोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट हमने बताया आपको, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स भी नॉर्थ कर्नाटका रीजन में किसी के पास नहीं है. तो हम लेटेस्ट से लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हमारे कॉलेज में हम लाते हैं और हमारे इससे हम हमारे कम्युनिटी को बोलो या अपने सोसाइटी में इसका बेनिफिट देते हैं. बेसिकली इट्स अ सोसाइटी बेनिफिट ऑफ द कंप्लीट सोसाइटी. अब एज ए प्रिंसिपल एक डिपार्टमेंट की तो बात हो गई, मैं हर डिपार्टमेंट में हमारे पास बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टाफ, ठीक है, हम जितना हो सके अच्छी से अच्छी सर्विसेज हम गुलबर्गा की आवाम को देना चाह रहे हैं, राइट. टोटल 9 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें तकरीबन हर डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन है. तो हमारे पास तकरीबन 400 बच्चे हैं. जो कॉस्ट टू कॉस्ट मटेरियल, हमारा विजन यही है, हमारा मिशन यही है कि हम हमारे गुलबर्गा के लोगों को जितना हो सके हम डेंटल के ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा दे सकें, ये हमारा पहला मंशा है इसमें, राइट. और दूसरा पार्ट लेंगे आप कॉलेज का, कॉलेज भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा कॉलेज 1992 से है और जिसको ऑलरेडी 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं, राइट. अभी तक तकरीबन 2000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पास हुए हैं और मोर देन 300 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट पास हो चुके हैं. हमारा कॉलेज में BDS है, MDS है, PhD है और हमारे पास हमारा कॉलेज लास्ट ईयर NAC अक्रेडिटेड भी हो गया है, हमारा अक्रेडिटेशन हो गया है. सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिलेगा हमारे कॉलेज में, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मिलेगा हमारे पास, हमारे पास अच्छे से अच्छी बेस्ट पेशेंट को सर्विस देते हैं हम लोग. ये हमारा बेसिक मंशा है, यही हमारा मोटो है, यही हमारा विजन है क्वालिटी. और थोड़े स्पेशल केसेस में बहुत सारे पेशेंट्स पुअर आते हैं जिनके पास उसको कॉस्ट मीटअप नहीं करते, तो भी हम हमारे मैनेजमेंट उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है थोड़ा, वो जितने भी होते हैं मैनेजमेंट थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करके हम पेशेंट्स को वो ट्रीटमेंट फैसिलिटी देते हैं और हमारे तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं ऑनर वाले. तो बस हमारा यही था, अब बोलना ये था, ये मीटिंग बुलाने का मकसद कि भाई अवेयरनेस लाएं डेंटल का, ये पूरा स्किल बेस्ड है, ये चीज़ें अवेयरनेस पूर्व में आ गया क्या भाई क्या चीज़ का क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं. तकरीबन दांत में दर्द रहा तो ही दांत को आता है. अब ऐसे हमारे पास 60 डिपार्टमेंट हैं जिसमें हर चीज़ कर सकते हैं, दांत साफ करना हो गया, दांत बदलना हो गया, दांत बिठाना हो गया, दांत लगाना हो गया. तो ऐसे तकरीबन डिपार्टमेंट्स हैं, दांत टेढ़े हैं तो दांत को सीधे कर लें, खूबसूरत के वास्ते वो भी है, कॉस्मेटिक सर्जरी भी हमारे पास करते हैं, लेजर्स की सर्जरी होती है हमारे पास, इम्प्लांट्स प्लेसमेंट करते हैं हमारे पास,
तो ये हमारे कॉलेज में ऑलमोस्ट ऑल द फैसिलिटीज है। और हम यही बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे आइए, आके यहाँ के हमारे इस कॉलेज का फ़ायदा उठाइए, ताकि हम जैसा डॉक्टर अरशद वाइस प्रिंसिपल ही इज अ क्लिनिकल इंचार्ज ऑल्सो, इन्हों पूरे कॉलेज के हॉस्पिटल के क्लिनिकल इंचार्ज साइड रहने से ये देखते हैं कि भाई हर पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी मिले और कम से कम दाम में। इन द सेंस हम सिर्फ जो मटेरियल लगता है उसका ही कॉस्ट चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं है हमारे पास। जो मटेरियल पेशेंट यूज होता है, क्यों हम लोग ऐसा भी सैलरी दे रहे हैं, स्टाफ तो पूरे ही पे हैं, तो सिर्फ हम कॉस्ट टू कॉस्ट इस पर काम करते हैं। तो बस मैं इसी माध्यम से आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप हमारे अलबदा डेंटल कॉलेज को आइए, और जो भी आपके दांतों से रिलेटेड या ओरल कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है आके यहाँ पे ट्रीटमेंट करें। अलबदा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जस्ट अपोजिट टू कोरंटी हनुमान टेम्पल है, आप आइए, हम यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देंगे। This video presented by Al Sharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Al Sharay Group of Institute.